रतलाम में हुए तिहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी दिलीप को पुलिस ने गुरुवार रात मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ के दौरान 2 सब इंस्पेक्टर सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वीडियो कॉल के माध्यम से पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना और उनके कार्यों की प्रशंसा की। साइको किलर दिलीप गुजरात के दाहोद जिले के गाँव खरेड़ी डुंगरी का निवासी था। पुलिस को दिलीप के लोकेशन की खबर लगी थी, जिसके बाद एसपी गौरव तिवारी के निर्देशन में पुलिस दल ने घेराबंदी की तो दिलीप ने पुलिस पर बंदूक से फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाब में फायर किए, इससे दिलीप को गोली लगी और उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इस मुठभेड़ में सब इंस्पेक्टर आयुब खान और अनुराग यादव और 3 अन्य पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। एसपी गौरव तिवारी ने बताया कि दिलीप मिडटाउन कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था और पीछे टूटी बाउंड्री वॉल से आना जाना करता था, ताकि आगे लगे सीसीटीवी कैमरों में ना आ सके। वह खाचरौद की तरफ जा रहा था, तभी पुलिस ने उसका काम तमाम कर दिया। इस वारदात के साथ 5 माह पहले मनीष नगर में हुए डॉक्टर प्रेम कुंवर सिसोदिया के अंधे कत्ल की गुत्थी भी सुलझ गई थी। यह वारदात दिलीप ने 2 अन्य साथियों के साथ की थी। दोनों मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि दिलीप की तलाश जारी थी। पुलिस ने लूटे गए जेवर और अन्य सामग्री बरामद कर ली है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने घायल हुए पुलिस वालों का हालचाल जाना और उनकी प्रशंसा करते हुए हौसला बढ़ाया। कैसी तबीयत है अब? सर अभी ठीक है सर, थोड़ा ज्यादा तकलीफ तो नहीं है? और कोई आपको अनइजीनेस तो नहीं है? नहीं, आपकी आपकी बहादुरी से पूरा विभाग गौरवान्वित हुआ है जी। आपकी बहादुरी से फक्र है हमको, है ना? जब भी भोपाल आइएगा तो मिलिएगा जरूर जी सर, बिल्कुल सर। हाँ, बहुत 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 शुभकामना, धन्यवाद। जल्दी स्वस्थ हो, फिर आगे की बात करते हैं जी सर। सर सूचना मिली थी हम लोगों को कि ये खाचरौद नाके से मिड टाउन के लिए जा रहा है, मिड टाउन यहाँ किराए के मकान में ही रह रहा है। अगर नाकाबंदी की जाए तो सफलता मिल सकती है। उसी में पुलिस पार्टी आई, चूंकि हम लोग जानते थे ये बहुत ही शातिर किस्म का बदमाश है और इसके पास वेपन रखता है। पुलिस ने इसको वार्निंग दिया, लेकिन फिर भी इसने पुलिस पार्टी पर फायर किया। मतलब पुलिस पार्टी ने भी फायर किया। पुलिस की तरफ से भी 2 सब इंस्पेक्टर और 3 आरक्षक घायल है, एक गोली उसको भी लगी है। इलाज के लिए हम लोगों ने अस्पताल भेजा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।